तो इस साल जो है आलू परसेंटेज हमारे इधर जो है कुछ मात्रा में कम रहने वाला है। आगे भविष्य जो है आने वाले समय में अच्छा नजर आ रहा है। हरदोई मरलावा से भैया आए हुए हैं और भैया ने बीजा लिया हुआ वहां से सर से, और इनसे बात करते हैं कितना इन्होंने बीजा लिया, कितना भरोसा जताया और कैसे इनकी बात हुई, कैसे मुलाकात हुई, क्या अपडेट चल रहा है हरदोई मरलावा साइड में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत है जी। मैं मल्लावा के पास गौसन पड़ता है, वहां का रहने वाला हूँ जी। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे आप सर जो यहाँ से हातिनपुर छिबरामऊ जो उदय पोटैटो फार्म से कितने सर पैकेट आप लिए हैं? लगभग 300 पैकेट है जी। तो क्या सर अपनी खुद की फार्म वहाँ पे करते हैं, खुद की सर? जी जी जी। कि आप सप्लायर की तरीके? नहीं नहीं, सप्लायर नहीं, खुद खेती खुद, करता खुद खेती करते हैं जी। तो सर इसी साल से जुड़े हैं या फिर पहले से ही जुड़े हैं? हाँ, उदय पोटैटो फार्म से इसी साल से जुड़े हैं जी। तो सर मतलब अगर हम अपने सर हरदोई के साइड में अगर हम बात करें तो कितनी परसेंट वहाँ पे कच्ची फसल होती है, जो अंगेती वाली फसलें हैं वो? देखिए, अगेती फसल जिस हिसाब से लास्ट ईयर की गई थी जी, परसेंटेज बहुत डाउन है इस बार जी। इस बार उतना नहीं कर रहे हैं किसान। अच्छा सर, क्या क्या उसकी वजह क्या रही, मुख्य वजह? मुख्य वजह ये रही कि किसान का इस साल जो आलू बिक नहीं रहा है, बिक भी रहा है तो कम दामों में बिक रहा है जी, तो इसकी वजह से किसान की लागत नहीं निकल पाई है जी। इसकी वजह से किसान जो है आलू से थोड़ा सा हमारे साइड में थोड़ा मोह भंग हुआ है जी। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे जो आप जो 300 पैकेट के करीबन जो बीजा लेके जा रहे हैं, क्या इसकी फसल आप कच्ची कच्ची में ही ले जाएंगे या फिर पक्की में रखेंगे? नहीं देखिए, कुछ कुफरी मोहन जो है ये थोड़ा सा हम इसको कच्चा करेंगे जाकर के, और बाकी इसको पक्का करेंगे। और इसमें जो है कुफरी संगम का जो है हमने ब्रीडर लिया है, कुफरी उदय का भी ब्रीडर है जो सर ने जो है मेरठ से मंगवाया है जी। और कुफरी नीलकंठ है, उसको भी जो है वहीं से मंगवाया है मेरठ से जी। तो ये सब ब्रीडर हैं, इनका बीज बनाएंगे जाकर के जी, और अगले साल जो है इनको ज्यादा मात्रा में अपने खेतों में करेंगे, और शेष जो हमारे साथी लोग अगर चाहेंगे तो उनको उपलब्ध भी करा देंगे जी। ये अच्छा सर, अपने क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या उधर किसानों की क्या राय है इस बार की आलू का, जैसे भविष्य वगैरह? कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि भविष्य डाउन जा रहा है, मतलब पिछली साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस साल साफ तौर पे यही है कि क्या खेती कुछ परसेंटेज लोग कम कर रहे हैं, आलू की बुआई कम कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले साल जो किसान जितना एरिया में आलू की खेती किए हुए थे जी, इतना एरिया इस बार आलू का नहीं होगा, रकबा जो है कम हो जाएगा जी। उसका कारण ये है कि जैसे जो बड़े बड़े काश्तकार हैं वो तो इन परिस्थितियों को मैनेज कर रहे हैं कि ठीक है, अब इस साल नुकसान हो गया, अगले साल फायदा हो जाएगा, लेकिन जो छोटा किसान है उसने किस तरीके से आलू का उत्पादन किया था और उसके बाद में उसका जो है बीज खाद और खेत की जुताई वगैरह का उसी का पैसा नहीं निकल पाया है उसका, तो वो थोड़ा सा पीछे हट गया है जी। अच्छा सर, आपका भी अनुभव काफी है क्योंकि आप 300 पैकेट बराबर अपना बीजा करेंगे जाके, मतलब लगा देंगे पूरा खेती। कितना सर करते हैं? लगभग 28 बीघे। 28 बीघा। अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव भी काफी ज्यादा है, आपको क्या लगता है सर आने वाले समय में क्या आलू का भविष्य रहने वाला है, क्या? देखिए, एक उम्मीद के सहारे ही इतना माल लेकर के जा रहे हैं, और जैसे कि दादा ने भी बताया जी, आगे भविष्य जो है आने वाले समय में अच्छा नजर आ रहा है। आ रहा है हाँ जी। अब ये है कि बस प्रकृति जो है साथ दे दे तो हाँ, जिस हिसाब से मतलब अभी आ रहा है कि अच्छा सर, अपने यहाँ जो अगेती फसल की आगे की बुआई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट लोगों ने की होगी। अच्छा सर, जो जो लोग किए हैं आज से मतलब 10-15 दिन पहले जो आलू की बुआई कर चुके हैं, क्या लगता है उनके फसलों में कुछ बर्बादी हुई है, क्या बीजा कुछ सड़े है? बिल्कुल, मैंने स्वयं में जो है आज के लगभग 12 दिन पहले मैंने कच्ची फसल जो है बो दी थी जी, और उसमें पानी भी एक लगा चुका हूँ। पानी लगाने का कारण रहा कि जब हमने उसको जो है खोद के देखा है तो उसमें जो है कुछ बीजा जो है सड़ता हुआ नजर आया जी, जैसे कि हाँ, जैसे टेम्परेचर इतना ज्यादा रहा तो उसकी वजह से अब बीज जो है खराब होता हुआ नजर आया, तो पानी लगाना उचित समझा और अब लगभग जो है निकलने की उस पे है जी। अच्छा, वो अंकुरण जो है निकल रहा है, लेकिन वो मजा नहीं है। 20% तो गया। हाँ, गया, 20% आराम से गया। तो यही कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा, तो वही कहीं ना कहीं एक अच्छा भविष्य नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो जिस प्रकार से किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा, हमने दो अनुभवी जो किसान थे इनसे आपको रूबरू कराया और इनका एक्सपीरियंस जो था वो आपके सामने साझा किया। ये भैया हरदोई से है
और जो सर हैं ये उदय पटेटो छिबरामऊ क्षेत्र से हैं, आप अच्छे भली भांति जानते होंगे, अगर छिबरामऊ में हैं, अगर आप छिबरामऊ से देख रहे हैं तो आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं। हमने हालांकि आगे आने वाले भविष्य में ज्यादातर चर्चा की है, बाकी आप कैसा अच्छा जो प्रोटेक्शन है वो ले सकते हैं कि अपने खेती से, अपने जो आलू की बुआई कर रहे हैं, 1 बीघा कर रहे हैं, 2 बीघा कर रहे हैं, उसके बारे में भी सर ने बहुत अच्छे भली बात बताया है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें दोस्तों। धन्यवाद।